स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंडिया का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और एज ए टीम वो लोग बहुत ही अच्छा खेले, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही सफल रहा है, और चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली इन सभी ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए इंडिया को एक अच्छा स्कोर दिया है, ताकि बॉलरों के लिए भी ईजी पड़ता है। अगर हमारे पास एक अच्छा टारगेट होता है तो बॉलरों को भी आसानी होती है, और बेशक बुमराह वगैरह, जडेजा, इन सभी लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और इसी कारण हम लोग एज ए टीम, एज ए यूनिट होकर हम लोग मैच जीते। टीम को, अपनी इंडिया टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि 2-1 से हम लोग आगे ऑस्ट्रेलिया में, और ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि हम सीरीज जीतने के बहुत करीब है। इंडिया और अच्छा खेलेगी आगे, वो सीरीज जीत के आएगी। ऑल इन ऑल मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, अच्छा है कि इंडिया जीत गया। अब एक और टेस्ट मैच है, अब ये माइंड सेट ये होना चाहिए कि जीते इंडिया, ये नहीं कि ड्रॉ करे, जीतना चाहिए इंडिया को। 3-1 से पूरा खत्म करके आना चाहिए इंडिया को। Yeah, I felt really nice. This is, I think, in 40 years for the first time we have won 2 tests. This is something that has not happened before, and the kind of mindset players had actually, they wanted to win actually. It was evident from the way they played. सबसे पहली बात, as a true Indian, as a true cricket fan, बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन कर ली है। तो इवन अगर हम लास्ट टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेते हैं या हार भी जाते हैं, सीरीज अगर लेवल होती है तो ट्रॉफी हमारे पास वापस आ रही है। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। मयंक अग्रवाल एकदम से जो नया ओपनर हम लोगों ने इंडिया ने मतलब उनको ओपन कराया, उनको चांस दिया, उन्होंने अपने चांस को प्रॉपर काम किया। पहली इनिंग में अबव 50 बनाए, सेकंड इनिंग में भी वैल्यूएबल 30-35 ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ रन बनाए। तो मतलब ओपन हमने, हमारी टीम का एक ऐसा बहुत अच्छा पार्ट हो गया मयंक अग्रवाल से, कि हमारे को जीत के लिए बड़ी सहायता मिली है उससे। टीम इंडिया ने जो आज ऐतिहासिक जीत दर्ज की है उसके लिए सभी खिलाड़ियों को उसका श्रेय जाता है, खासकर जो तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, जिसने पहली पारी में शानदार गेंदबाजी की और दूसरी में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा ओपनिंग स्लॉट था मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी ने जो पहली पारी में शुरुआत दी और हमने 443 रन बनाए और इनिंग घोषित की, तो उसमें बहुत कुछ जो अहम रोल निभाया है वो मयंक अग्रवाल ने निभाया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, देयर इज नथिंग ग्रेट देन दैट, और आगे भी और जीतेंगे हम इंडिया। बहुत अच्छा है, इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, विराट कोहली ने एकदम से लीड किया है बहुत ही अच्छा तरीके से, और 50 से ऊपर उसका स्ट्राइक रेट है, मैंने हर फॉर्मेट में, ये T20 देख लो और ODI देख लो और टेस्ट देख लो, वो इंडिया का नंबर वन ही बैट्समैन है। सचिन को भी निकल जाएगा आगे, सचिन से भी एकदम से बहुत अच्छा ही है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना, और इंडिया मतलब ये जो टीम है लगता है ये इस नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया ही लाएगा, परफॉर्मेंस को देख के यही तो लगता है। बहुत खुश हैं हम सब, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अभी ऑस्ट्रेलिया को हराना इतनी अच्छा पिच में और इतनी अच्छी जगह में, वो बहुत गर्व की बात है। थैंक यू।